दोस्तों नमस्कार। दोस्तों राज्यपाल क्या है, हमारे संविधान में राज्यपाल की क्या भूमिका है, क्या है राज्यपाल? राज्यपाल संविधान के मुताबिक राज्यों में महामहिम राष्ट्रपति के प्रतिनिधि। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं जिनका ओहदा सबसे ऊपर है और उनका काम है देश संविधान में वर्णित व्यवस्थाओं के मुताबिक चले, संविधान की भावना के मुताबिक चले। अगर कहीं पर संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है तो राष्ट्रपति महोदय उसमें हस्तक्षेप करें। और राज्यों में वो अपने प्रतिनिधि भेजते हैं राज्यपाल, जिनका भी वही काम है कि राज्य की सरकार, राज्य की व्यवस्था संविधान का अक्षरशः पालन करे, संवैधानिक कहीं उल्लंघन ना हो। अब यह बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, ये बात मैं कोई आपकी जीके बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात आपको इसलिए याद दिलवा रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जो चिट्ठी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी है उसमें उन्होंने एक तंज कसा है, और वो तंज ये है, उन्होंने उद्धव ठाकरे से कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर देवालय यानी मंदिरों को ना खोलने का फैसला आपको कोई दैवीय आदेश हुआ है या आप एकाएक सेकुलर हो गए हैं? ये उन्होंने उन पर तंज किया है कि आप क्या एकाएक सेकुलर हो गए, जिस सेकुलर शब्द से आपको नफरत थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने यह भी उद्धव ठाकरे को याद दिलवाया है कि सेकुलर शब्द जिससे आपको नफरत थी, क्या आप एक सेकुलर हो गए? असल में ये हम सब देख ही रहे हैं, सबको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है मंदिर खोलने को लेकर, मंदिरों को खोलने को लेकर, कि वहां पर जो मंदिर लॉकडाउन के दौरान से लेकर अभी तक बंद पड़े हैं। तो उनका ये कहना है कि साहब होटल खुल गए, बार खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, तो फिर मंदिर क्यों नहीं खुल रहे? वो एक राजनीतिक आंदोलन है। हमें बात इस बात पर करनी है राज्यपाल की चिट्ठी पर। राज्यपाल से मैं आपके माध्यम से, आपके बीच से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीजिएगा। अगर उद्धव ठाकरे सेकुलर हैं या हो गए तो इसमें क्या गलत है? ये तो आपके लिए सफलता है। हमारा संविधान दोस्तों जब तक बदल ना जाए, उसमें कोई संशोधन ना हो जाए, फिलहाल हमारा संविधान की प्रस्तावना कहती है कि भारत एक सेक्युलर स्टेट है, धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, मतलब किसी भी धर्म से ऊपर हमारा, किसी धर्म से गवर्न्ड स्टेट नहीं है ये, सेक्युलर स्टेट जहां पे समभाव है सारे धर्मों के लिए, सारे पंथों के लिए, सारी आस्थाओं के लिए, ये ऐसा स्टेट है, सेक्युलर स्टेट है, ये संविधान की प्रस्तावना कहती है। 1976 में संशोधन हुआ 42वां, उसमें सेकुलर शब्द संविधान में जोड़ा गया, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का इसको लेकर एक अलग मत रहा है। लेकिन प्रश्न यह है कि भगत सिंह कोश्यारी ने जब उन पर सेकुलर शब्द से तंज कसा, तो क्या भगत सिंह कोश्यारी अभी राज्यपाल नहीं बन पाए हैं? वो भी भाजपा नेता ही हैं। राज्यपाल महोदय, राजनीतिक आंदोलन तो भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है सड़कों पर महाराष्ट्र में, आप उसमें संविधान के संरक्षक होकर, संविधान के रक्षक होकर आप भारतीय जनता पार्टी के मन की बात, भारतीय जनता पार्टी के मन की बात आप क्यों कर रहे हैं चिट्ठी लिखकर, वो भी राज्यपाल के लेटर हेड पर, अशोक की लाट वाले लेटर हेड पर, कि आप सेकुलर क्यों हो गए? एक राज्यपाल को राज्य के मुख्यमंत्री से ये शिकायत है कि वो सेकुलर क्यों हो गया, तो वो तो संविधान कहता है कि राज्य के मुख्यमंत्री को या देश के प्रधानमंत्री को, पूरे मंत्रिमंडल को, कैबिनेट को, जो भी सरकार है उसको सेकुलर होना चाहिए, उसकी सोच सेकुलर होनी चाहिए। तो ठीक कर रहे हैं फिर तो उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने कहा है हालांकि हमें आपसे हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों देखिए, उद्धव ठाकरे ने जो सरकार बना ली है, महाअघाड़ी सरकार वहां पर, उस पर एक ये तो उनका वीक पॉइंट है
जिस तरह की राजनीति उनके पिता बाल ठाकरे किया करते थे, जो राजनीतिक विरासत है उनकी और जो शिवसेना का प्रभु मतलब उसका पूरा नेचर रहा है, नेचर ऑफ पॉलिटिक्स जो शिवसेना की रही है वो उग्र हिंदुत्व की ही रही है, ये बात ठीक है। ये उनका एक वीक पॉइंट भी है कि साहब आप सीएम बनने के लालच में कांग्रेस और एनसीपी जैसे धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष और सेकुलर दलों की पॉलिटिक्स करने वाले लोगों के साथ आपने हाथ मिला लिया, ये तो वीक पॉइंट है। लेकिन प्रश्न ये है राजभवन इस पर क्यों बोल रहा है, आपको क्या जरूरत है ये तंज कसने की? राज्यपाल राज्यों में राजनीतिक एजेंडा बढ़ाने के लिए बैठाए जाते हैं। अभी तो कोई नई बात रह नहीं गई है जो मैं कह रहा हूं, ये तो बहुत ही पुरानी बात है। बात तो बहस तो यहां तक आ चुकी है कि राज्यपालों का पद ही खत्म कर देना चाहिए, इनका कोई मतलब ही नहीं राज्यपालों का, क्योंकि ये वहां भेजे ही इसलिए जाते हैं कि वहां के राज्य सरकारें जो अगर दूसरे दलों की हैं तो उन पर शिकंजा कसे रहे। जैसे कि जब अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो कहीं पर भी एक छोटा सा भी कोई अपराध होता था तो उस वक्त के राज्यपाल जो है नाइक साहब, राम नाइक साहब, तुरंत मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते थे, हर मुद्दे पर चिट्ठी लिखते थे। आज इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, हाथरस हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुंह नहीं खोल रही है, अब एक चिट्ठी नहीं, एक लाइन नहीं लिख रहे हैं। तो ये अब भगत सिंह कोश्यारी की बात कर लें, कंगना रनौत का छज्जा तोड़ दिया बीएमसी ने, वो उनसे मिलने पहुंच गई। राज्यपाल जब अभिभाषण देता है विधानसभा में सत्र के पहले दिन तो वो कहता है मेरी सरकार, जब राष्ट्रपति लोकसभा संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं जब, तो क्या बोलते हैं मेरी सरकार, वो उसको ओन करते हैं उस सरकार को, क्योंकि वही उसको शपथ दिलवाते हैं, संविधान के मुताबिक वो सरकार बनती है, उसके संरक्षक राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल होते हैं, तो वो बोलते हैं मेरी सरकार। इस लिहाज से तो महाराष्ट्र की सरकार कोश्यारी जी आप ही की सरकार है और आप उसको कह रहे हैं, उसके मुखिया को कह रहे हैं कि तुम सेकुलर क्यों हो गए, तुम्हें सेकुलर नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति की जो भी राजनीतिक मजबूरी हो, उसके जो भी राजनीतिक समझौते हो, उससे आपसे क्या मतलब? उस आदमी ने पार्टी को अपनी बेच दिया, विचारधारा को, आप क्यों परेशान है? आपको तो सिर्फ इस बात पर परेशान होना चाहिए कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्थाओं का दुरुपयोग ना हो, संवैधानिक व्यवस्थाओं का कहीं उल्लंघन ना हो, ये आपकी परेशानी के सबब होना चाहिए ना। बतौर राज्यपाल आपसे क्या मतलब, उसने अपनी पार्टी को बेच दिया, उसकी विचारधारा को बेच दिया। जनता तय करेगी चुनाव में शिवसेना के आदमी को वोट देना है कि नहीं देना है, वो तो जिन्होंने उन्हें वोट दिया है वो तय करेंगे ना, विचारधारा उनका एजेंडा तो वो तय करेंगे ना, वोटर वहां के, आपसे क्या लेना देना। लेकिन आप कर रहे हैं, मंदिर खुले ना खुले, ये राज्य में अगर अनरेस्ट होता है आप उस पर पत्राचार कर सकते हैं, लेकिन आप ये कमेंट कैसे कर सकते हैं कि जिस सेक्युलर शब्द से तुम्हें नफरत थी वो सेक्युलर शब्द तुमने अपना लिया और अब तुम क्या सेक्युलर हो गए हो? आप क्या चाहते हैं वो उग्र हिंदुत्व वाली विचारधारा में ही रहे तब आपको अच्छा लगेगा? ये क्या मतलब? और फिर आप भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे अगर ये बात कह रहे हैं तो फिर आपसे फिर क्या अपेक्षा की जाए संविधान की व्यवस्था की? आप तो कंगना रनौत से मिलते हैं, आप पायल घोष से भी मिल लेते हैं जिसने बलात्कार का आरोप लगाया अनुराग कश्यप पर, वो भी आपसे मिलने पहुंच जाती है। राजभवन में हर वो व्यक्ति जो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर है या कहीं ना कहीं उससे मैच करता है वो आपके पास पहुंच रहा है। राजभवन की आस्था, राजभवन का विश्वास, राजभवन का भरोसा, राजभवन की गरमा और तार तार हो रही है ऐसी चिट्ठियों से। हालांकि उद्धव ठाकरे ने जवाब दे दिया है राज्यपाल महोदय को, उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आपसे हिंदुत्व सीखने की जरूरत मुझे नहीं है। प्रश्न जायज हो सकता है मित्रों, ठीक है कि बार खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, होटल खुल गए, अब मंदिर भी देवालय भी खोल दो, वो ठीक है, प्रश्न अपनी जगह तार्किक हो सकता है, जायज हो सकता है, उस पर सड़कों पर आंदोलन होना चाहिए, हो भी रहा है, जिन लोगों को लगता है ऐसा वो कर भी रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी वहां पे इसको मुद्दा बनाए हुए है देवालयों को, लेकिन राज्यपाल की भूमिका उसका क्या हो?
दोस्तों मेरा सवाल है आपसे कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का उद्धव पर तंज आप सही मानते हैं या गलत? क्या लगता है, उन्हें ऐसा करना चाहिए था, लिखना चाहिए था या नहीं? जवाब दीजिएगा, आपका इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का। शुक्रिया।